हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चैताली। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि हमें ज्यादातर बीमारियाँ कैसे होती हैं। हमारी ज्यादातर बीमारियाँ हमारे क्रोध की वजह से होती है, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है और वो उपाय है क्षमा। क्षमा करने से हमारा क्रोध, हमारे अंदर की ईर्ष्या, दूसरों के लिए अहंकार और प्यार नहीं बल्कि भेदभाव की भावना, ये जो बुरी बातें हैं, उस समय हमने क्षमा की उन बुरी बातों को, तो हम हमारी बीमारियां भी चली जा सकती है। क्योंकि हम सोच सकते हैं कि अगर हमारे अंदर बहुत ही क्रोध है किसी इंसान को लेकर, तो हमारे बाल झड़ने लगते हैं, तो हमारा चेहरा बहुत अलग सा दिखने लगता है, हम निराश दिखने लगते हैं, हमारे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स आने लगते हैं, तो इसी तरह तान तनाव आता है, इस तरह हमारा माइंड रिफ्रेश नहीं हो पाता। तो इसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक है क्षमा की। हमें सारी चीज़ों को क्षमा करनी चाहिए, हमें हमारी सारे बॉडी पार्ट्स को भी क्षमा करनी चाहिए, हमें उन्हें क्षमा करनी चाहिए कि बालों को कहना चाहिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ कि तुम बहुत ही वाइट हो चुके हैं तो तुम अच्छे नहीं दिखते, लेकिन ये सारी बातें मेरी वजह से होती है, तो मैं आज से इसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। इस तरह हमें सारी चीज़ों को क्षमा करनी चाहिए, इससे हम बीमार नहीं होंगे और हम सदैव सुदृढ़ रहेंगे। थैंक यू।